बस्ती जिले के गौर ब्लॉक में प्रधानों द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि बस्ती जिले के गौर ब्लॉक में प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्र ने के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी प्रमुख में जब से मोबाइल मॉनिटरिंग लागू हुआ है तब से मजदूरों को नेटवर्क न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी हाजिरी समय से नहीं लग पाती है, जिस वजह से उनको भुगतान के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी प्रमुख मांग, आज के समय में कोई भी दिहाड़ी मजदूर 350 यानी कि 350 से लेकर के 400 तक की मजदूरी पर काम करते हैं। वहीं मनरेगा में काम करने वाले मजदूर आज भी 213 में दिन भर का काम करने के लिए मजबूर है। ऐसे में इनकी मजदूरी कम से कम 400 तो होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं, जिसमें प्रथम है NMMS फीडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग मोबाइल मॉनिटरिंग कहते हैं। ये नेटवर्क ना होने के कारण हमारे मजदूर सड़कों पे काम करते हैं और दिन में 2 बार मजदूरों का मॉनिटरिंग होता है और लगभग मैक्सिमम 75% नेटवर्क नहीं होता है। हमारे मजदूर मनरेगा मजदूर जाप कार्ड धारक काम करते हैं और वो पैसा प्रधान और रोजगार सेवक से चढ़ के मांगते हैं और हम उनका भुगतान NMMS के द्वारा नहीं हो पाता है। अतः हम निवेदन आह्वान करना चाहते हैं कि ये NMMS जो 23/12/2022 को लागू किया गया है, इसको भारत सरकार द्वारा समाप्त किया जाए। इस समय हम बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक पे हैं, जहां प्रधान संगठन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गौर ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए हम प्रधानों से जानेंगे किन मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किन मांगों को लेकर प्रदर्शन इनका चल रहा है और कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा। आप गौर प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं? सर, मेरी पहली मांग मोबाइल मॉनिटरिंग हाजिरी है, तो इससे बहुत ही दिक्कत हो रहा है। आज गौर ब्लॉक में प्रधान संगठन और GDC और रोजगार सेवक का धरना है, 1 दिवसीय धरना है और हम जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या मांगे हैं, किस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन। आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद बस्ती ब्लॉक गौर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। ज्ञापन में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी के आदेश के क्रम में जो 213 रुपया दिहाड़ी मजदूर है उसको 400 रुपया करने की मांग कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन जो मनरेगा अभी तक चल रहा था, एक तो लेबर जो 213 रुपया लेबर का, वो 213 रुपये में कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई लेबर आप 213 में नहीं कर सकते हैं। लेबर 350 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी लोगों की है, तो 213 में कोई काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, जो काम करने को तैयार भी है किसी तरीके से, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य अगर किसी को लेकर के काम भी कराने जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ मोबाइल मॉनिटरिंग के द्वारा लोगों की मॉनिटरिंग की जाती है। उनकी जो मांगे हैं वो मनरेगा मजदूरी जो 213 रुपये है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से मजदूरों का हाजिरी दिया जाता है उसको समाप्त करने की बात उन्होंने अपने ज्ञापन में दिया हुआ है। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि संपूर्ण ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है और संपूर्ण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो भी हम सबको आदेश शासनादेश प्राप्त होते हैं उसी के तहत हम लोग कार्यक्रम करवाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews/